लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर हरियाणा के सिंचाई मंत्री अभय यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। अभय यादव की तरफ से जो कहा गया है वो काफी महत्वपूर्ण था, आइए सुनवाते हैं। मैंने आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है कि ये जो दिल्ली सरकार द्वारा जो हरियाणा के पानी के बारे में जो प्रचार रोजाना किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, धरने देने की धमकी दी जा रही है, मैं उसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाह रहा था। जो वास्तविकता, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं वो रखना चाह रहे हैं। ये तो आपको भी पता है सभी को कि दिल्ली सरकार द्वारा प्राय हर साल ये शिकायत की जाती रही है कि भाई पानी हरियाणा कम दे रहा है और हरियाणा पर आरोप भी लगाए जाते रहते हैं कि पानी जानबूझ के कम दे रहे हैं। 2021 में भी दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके यही बात कही गई थी कि पानी कम दिया जा रहा है। उस टाइम जल शक्ति मंत्रालय को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कहा था और वो जांच कराई गई और उसके बाद में पाया गया कि पानी पूरा दिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दिल्ली सरकार को उसी टाइम ये भी कहा था कि भी बार बार लिटिगेशन नहीं करना चाहिए, जो फैक्ट्स ये हैं कि पानी दिया जा रहा है तो लिटिगेशन नेसेसरी नहीं होना चाहिए। 2018 में फिर अपर रिवर यमुना बोर्ड है, उससे जांच हुई इस पानी की, उन्होंने शिकायत की, उसे जांच हुई और उस टाइम भी ये मिला कि पानी पूरा दिया जा रहा है।